जेब्लोन्स की डायग्राम प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक अणु द्वारा प्रकाश के फोटोन या क्वांटम के अवशोषण तथा उसके बाद होने वाले विभिन्न फोटोकेमिकल तथा फोटोफिजिकल प्रक्रमों को समझना आवश्यक है। इसे जेब्लोन्स की डायग्राम द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जिसे चित्र में दिखाया गया है। चित्र को समझने से पूर्व हम इसमें काम आने वाली कुछ टर्म्स को क्लियर कर लेते हैं। अणु की मूल अवस्था यानी ग्राउंड स्टेट को S0 द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जो कि उस अणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के कुल चक्रण को प्रदर्शित करते हैं। अधिकांश अणुओं की मूल अवस्था में सम इलेक्ट्रॉन्स इवन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो स्पिन पेयर्ड होते हैं, चक्रण युग्मित होते हैं, तथा चक्रण अवस्था ज्ञात करने के लिए 2s+1 सूत्र का उपयोग करते हैं, जहां पर कि s इलेक्ट्रॉन के टोटल स्पिन अर्थात कुल चक्रण को प्रदर्शित करता है। अतः इस टर्म को उस स्टेट की उस अवस्था की चक्रण बहुलता या स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी कहते हैं। चक्रण अवस्था ज्ञात करने के लिए जब इलेक्ट्रॉन युग्मित हो तो S will be equal to S1 plus S2, that is equal to ½ + −½ = 0। इसलिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2S + 1 will be equal to 2 into S की वैल्यू 0 plus 1 is equal to 1। अतः इस अवस्था में अणु की स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 होगी। इसको यह भी कह सकते हैं कि अणु सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में है। चक्रण अवस्था ज्ञात करने के लिए 2s+1 सूत्र में कुल चक्रण s का मान रखने पर यदि मान 1 प्राप्त होता है तो अवस्था सिंगलेट अवस्था होगी, और यदि मान 3 प्राप्त होता है तो अवस्था ट्रिपलेट अवस्था कहलाती है, त्रिक अवस्था कहलाती है, जैसा कि नीचे दिए गए चित्र से भी स्पष्ट होता है सिंगलेट और ट्रिपलेट अवस्था के बारे में। अणु द्वारा फोटोन के रूप में ऊर्जा अवशोषित करने पर इलेक्ट्रॉनीय संक्रमण में रासायनिक बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म में से एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में चला जाता है। यह दो प्रकार से संभव है, उत्तेजित इलेक्ट्रॉन का चक्रण साथ वाले इलेक्ट्रॉन के पैरेलल या एंटी पैरेलल हो सकता है, जैसा कि डायग्राम 4.3b और सी में दिखाया गया है। यदि एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन का चक्रण पैरेलल हो, जैसा कि चित्र बी में दिखाया गया है, देन टोटल एस विल बी इक्वल टू S1 + S2, दैट इज ½ + ½, दैट इज इक्वल टू 1। देयरफॉर स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s+1 विल बी इक्वल टू 2 × 1 + 1, दैट इज इक्वल टू 3। इसलिए इस अवस्था में अणु की स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 होगी, और हम इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट टी में है। इसी प्रकार यदि चक्रण विपरीत हो, एंटी पैरेलल हो, जैसा चित्र सी में दिखाया गया है, तो टोटल एस विल बी इक्वल टू S1 + S2, दैट इज इक्वल टू ½ + −½ = 0। देयरफॉर स्पिन मल्टीप्लिसिटी विल बी इक्वल टू 2s+1, दैट इज इक्वल टू 2 × 0 + 1, दैट इज इक्वल टू 1। इसलिए मॉलिक्यूल की स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 होगी। इसको हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट s में है। अतः S0 अणु की ग्राउंड सिंगलेट अवस्था को प्रदर्शित करता है, तथा S1, S2, S3, Sn क्रमशः फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एट्सेट्रा इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक्साइटेड सिंगलेट अवस्थाएं हैं, एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट्स S1, S2, S3 हैं। इसी प्रकार T1, T2, T3, Tn आदि क्रमशः फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट्स हैं। अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ग्राउंड स्टेट से एकक उत्तेजित अवस्थाओं S1 या S2 में होते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स से यह बता सकते हैं कि एकक उत्तेजित अवस्था की ऊर्जा ट्रिपलेट एक्साइटेड अवस्था से अधिक होती है। अतः ऊर्जा का क्रम इस प्रकार होगा, एनर्जी ऑफ S1
will be greater than energy of T1, which in turn will be greater than energy of S2, which will be greater than energy of T2, etc. और इस प्रकार से सिंगलेट अवस्था की ऊर्जा ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट की तुलना में अधिक होगी। प्रकाश फोटोन के अवशोषण पर अवशोषित अणु का इलेक्ट्रॉन S0 से S1, S2 या S3 एकक उत्तेजित अवस्था में आता है। यह अवशोषित फोटोन की ऊर्जा पर निर्भर करेगा, जैसा कि चित्र 4.2 में दिखाया गया है। अणु एकक उत्तेजित अवस्था या त्रिक उत्तेजित अवस्था में हो तो उसे एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल कहते हैं, अर्थात ए जीरो प्लस एच न्यू ऊर्जा अवशोषित कर ए स्टार या एक्साइटेड स्टेट एक्टिव स्टेट में चला जाता है, जहां ए जीरो अणु की मूल अवस्था है और ए स्टार उत्तेजित अवस्था है और इसे ही सक्रिय अणु कहते हैं। सक्रिय या उत्तेजित अणु वापस अपनी मूल अवस्था में ऊर्जा को उत्सर्जित करते हुए विभिन्न प्रक्रमों द्वारा आ सकता है।